दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के दर्शन मात्र से एक दो नहीं बल्कि सात जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हां, जब कई बार सद कर्मों के बावजूद भी हम अनायास ही दुख तकलीफ झेल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि इस जन्म में तो सब अच्छा किया है, ये शायद पिछले जन्म का कोई पाप है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं बल्कि भूतकाल और पिछले जन्मों के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में अद्भुत तरीके का प्रसाद मिलता है। तो दोस्तों हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है जिसे सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्य। दोस्तों कहा जाता है कि माँ सुरकंडा मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर और नीलकंठ सहित कई अन्य पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसके सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके अनुसार यूं तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं लेकिन गंगा दशहरा और नवरात्र ये दो ऐसे पर्व हैं जब माँ के दर्शनों का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन आते हैं। दोस्तों मंदिर में लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा लेकिन सुरकंडा देवी मंदिर में अलग तरह का ही प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को रौसली वृक्ष की पत्तियां दी जाती हैं। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। मान्यताओं के अनुसार इन पत्तियों को जिस भी स्थान पर रखा जाए वहां सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी इसे देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों या अन्य व्यवसायिक स्थलों पर नहीं किया जाता। दोस्तों बारी है ये जानने की कि कैसे इस मंदिर का नाम सुरकंडा पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में चुना था लेकिन उनका ये चयन राजा दक्ष को स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी को आमंत्रित किया लेकिन सिर्फ शिव जी को ही निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ के लाख समझाने के बावजूद भी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। वहां भगवान शिव के लिए की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से मां सती अत्यंत आहत हो गईं और इसके फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ के कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत दुखी और नाराज हो गए और माता सती के पार्थिव शव को कंधे पर रखकर हिमालय की ओर निकल गए। भगवान शिव के गुस्से और दुख को समाप्त करने के लिए और सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को सती के नश्वर शरीर को काटने के लिए भेजा। सती के शरीर के 51 भाग हुए और वो भाग जहां गिरे वहां पवित्र शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जिस स्थान पर माता सती का सिर गिरा वो सुरकंडा कहलाया जो आज सुरकंडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर आपको सुरकंडा देवी मंदिर से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।